नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे दोस्तों 10 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जो आपको गठिया से बिल्कुल 100% निजात दिला सकती हैं। गठिया मूल रूप से कमन बख्ती या कार्निया एक से अधिक जोड़ों की सूजन है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो हल्के से दर्द शुरू होकर एक गंभीर रूप ले लेती है, लेकिन हमेशा से हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, इसलिए गठिया का इलाज भी संभव है अगर आप इन जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं तो। तो ये जानते हैं दोस्तों वह कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग करके आप गठिया के इलाज से मुक्ति पा सकते हैं। बोसवेलिया की छाल, इससे निकला हुआ गोंद राल गठिया के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। ये 2000 वर्षों से अधिक एक गठिया विरोधी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ निश्चित फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो सूजन को कम करने वाले गुणों के कारण शक्तिशाली होते हैं और गठिया के कारण हो रहे दर्द और सूजन को कम करते हैं। यदि 300 से 400 मिलीग्राम बोसवेलिया का अर्क दिन में 3 बार नियमित रूप से सेवन किया जाए तो यह गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक गठिया का भी इलाज कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में या स्तनपान की अवधि के दौरान इसके सेवन से बचें। हल्दी एक शक्तिशाली मरहम और रोगाणुरोधक है। इसमें करक्यूमन शामिल है जिसमें उत्कृष्ट सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं जो रक्त में भड़काऊ रसायनों के स्तर को कम करने में सहायता करते हैं। हल्दी सूजन को समाप्त करने में सूजन को कम करने वाली दवाओं की तुलना में बेहतर होती है। 2 से 3 ग्राम हल्दी पानी में मिलाकर उसे उबालने के लिए रखें। जब एक बार यह ठंडा हो जाए तो इसे पी लें। इससे आपको गठिया के दर्द और सूजन से आराम मिलेगा। इसे अधिक मात्रा में लेने से बचें क्योंकि रक्त के गाढ़ेपन को प्रभावित करता है और इससे आपका पेट खराब हो सकता है। हल्दी की तरह अदरक भी दर्द और सूजन को कम करने में बहुत ही अच्छा प्राकृतिक उपाय है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो या सूजन हो तो उस क्षेत्र पर अदरक का तेल लगाएं, जिससे जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद मिलती है। आप दैनिक रूप से हर सुबह अदरक से तैयार चाय पी भी सकते हैं। इसका अत्यधिक उपयोग करना आपके पेट को खराब करने का कारण बन सकता है। दोस्तों, एस्ट्रागालुस एक प्रकार की सब्जी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसके अलावा यह बखूबी से सूजन को कम करने और किसी प्रकार के नुकसान से जोड़ों की रक्षा करती है। एस्ट्रागालुस का 3 से 6 ग्राम के आसपास पाउडर लें और इसका प्रयोग करके एक चाय तैयार करें। आप यह चाय दैनिक रूप से 3 बार पी सकते हैं दिन में। रूमेटिक गठिया से पीड़ित लोगों को इसे लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श करना चाहिए, क्योंकि यह एक स्व प्रतिरक्षित बीमारी है। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसके उपयोग से बचना चाहिए। गुग्गुल एक पारंपरिक औषधि है जो व्यापक रूप से आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग की जाती है। यह काफी वर्षों से स्वाभाविक और प्रभावी ढंग से गठिया के इलाज के लिए भरोसेमंद दवाओं में से एक है। यह एक शक्तिशाली औषधि है जो गठिया की सूजन के मूल कारण को मारकर लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करती है। गुग्गुल शरीर की चप अचय प्रक्रिया में सुधार करता है और अमा को बचाने में मदद करता है, जिससे गठिया के मूल कारण सीधे प्रभावित होते हैं। आप 25 ग्राम गुग्गुल वनस्पति से निकली हुई राल का दैनिक रूप से दिन में 3 बार सेवन करें, जिससे आप इसके लाभों का अनुभव कर सकेंगे। आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा। अश्वगंधा व्यापक रूप से एक सूजन कम करने वाली जड़ी बूटी के रूप में आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती है। यह दर्द और जोड़ों में सूजन को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। यह जोड़ों के अपक्षीय प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में कार्य करती है और प्रभावित जोड़ों को नुकसान से रोकती है। आप इसकी जड़ों की 1 कप चाय पिएं और अश्वगंधा गठिया विरोधी लाभ का उपयोग उठाएं। रूमेटिक गठिया के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देती है। तुलसी के पौधे में स्टर्लिंग गठिया विरोधी गुण पाए जाते हैं। यह प्रभावित जोड़ों में सूजन और उत्तेजना को 24 घंटे की छोटी सी अवधि के भीतर कम करता है, इसलिए यह गठिया के इलाज के लिए दुनिया भर में प्रयोग किया जाता है। कम से कम 3 से 4 तुलसी के पत्ते दैनिक रूप से चबाएं या इसकी चाय बनाकर पिएं। सुबह के समय 3 से 4 कच्ची लहसुन की कलियां खाने से गठिया के दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। यह गठिया की वजह से हड्डियों में परिवर्तन को भी रोकता है। एक प्रभावी जड़ी बूटी के रूप में गठिया को रोकने के लिए या जिन लोगों को गठिया नहीं है उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए। बाहरी या आंतरिक रूप से प्रयोग करने पर लाल मिर्च या क्रीम गठिया के लक्षण को समाप्त करने में बहुत प्रभावी है। अपने सक्रिय संघटक कैप्साइन के से दर्द से राहत पाने के लिए यह उत्कृष्ट असर करती है। इसका मलहम या क्रीम बना है अगर दैनिक रूप से प्रभावित हिस्से पर लगाया जाए तो गठिया के दर्द के इलाज में कारगर साबित होता है। दर्द को कम करने के लिए कैप्साइन दर्द तंत्रिका को उत्तेजित करता है।
गठिया गंभीर दर्द पैदा कर सकता है, इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके कर लें, वरना बाद में सर्जरी करवानी पड़ सकती है। साथ ही गठिया के लिए जीवन शैली और आहार में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए ताकि यह स्वाभाविक रूप से ठीक हो सके। तो दोस्तों, ये थी वो जड़ी बूटियाँ जो आपकी गठिया के रोग को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।